चलिए इसी के साथ कुछ और कॉलर से बात कर लेते हैं। मोहनलाल जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं झालावाड़ जिले से खानपुर से बोल रहा हूँ, राजस्थान। बताइए। झालावाड़ जिला खानपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ मैडम। जी सर, आपका प्रश्न क्या है? मैंने अभी हमारे बहू के कमर में दर्द था, तो मैंने पहले आपके यहाँ से मैंने सिया गोंद सिया मंगवाया है, वो आ गया है जी, उसको ले रहे हैं, उसको ले रहे हैं, थोड़ा आराम महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं इनको बहुत टाइम से देख रहा हूँ और मैं आपके जो नुस्खे हैं, मैं हाकिम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा मैं आपसे खुश हूँ, मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे, मैं आपका चैनल रोज देखता हूँ और मैं सबको बताता हूँ कि आप उनके चैनल से जुड़े और उनके सारे नुस्खे आप ले रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं बहुत दिन से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज में कि मैं बहुत अच्छा हुआ कि मैं आपसे बात कर ली। और मैंने अपने अपने बेटे के लिए जो मंगवाया था वो गोंद सिया, वो मेरे पास आ चुका है और मैं डेली उसको ले रहा हूँ और वो हमारे जो है मतलब दे रही है। और उनने ये बताया कि मुझे जो है उसमें क्या चीजें खाने के क्या क्या करना है, क्या बंद पड़ेगी, ये बताया उनने। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, आपकी बहू को मोहब्बत करते हैं आप, और वाकई आप बहुत अच्छे इंसान हैं मेरी नज़र में, और क्योंकि आपने कोई सवाल नहीं किया बल्कि उसका फीडबैक देने के लिए कॉल किया, ऐसे लोग काफ़ी कम होते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसे बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो फीडबैक भी देते हैं। अच्छा देखिए, अगर उनको कोई चीज़ नहीं चलती हो जो पेट खराब करती हो या खांसी करती हो तो वो ना खाएं। अक्सर हकीम लोग खट्टी चीज़ों को मना करते हैं, लेकिन उनको अगर कोई नुकसान नहीं है तो खा सकते हैं, ठीक है, और नुकसान होता है खट्टी चीज़ से तो रोक दें, इलाज के दौरान बिल्कुल ना खाएं। बस मेरी एक ही मेरी आपसे गुजारिश रहती है कि आप जिस वक्त इलाज कर रहे हैं तो एक तो ये वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए घर में, और एक ये पोंछे वाला काम बहुत बुरा मुश्किल वाला काम है। मैं तो कभी ज़िंदगी में लगाना पड़ा मुझे पोंछा या झाड़ू, तो मुझे तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इस बीमारी में घुटनों या कमर के दर्द में झाड़ू पोंछा किसी और के हवाले कर दें कुछ दिन के लिए, और बहुत मुबारक कि आपकी बच्ची को आपकी बहू को फ़ायदा हो रहा है। और बस यही है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, और आप तो वो खुद ही पहले कर रहे हैं, अब मैं अनुरोध भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं सबसे अनुरोध यही करता हूँ कि अगर भगवान ने आपको किसी रॉ मटेरियल के ज़रिए फ़ायदा दिया है तो फिर भगवान ने आपको फ़ायदा दे दिया, भगवान को और खुश करिए। किसी गरीब आदमी का इलाज अपने पास से करा दीजिए जिसके पास पैसे नहीं हों, या कोई ऐसा हो जो बहुत दिन से तकलीफ़ में हो तो उसके लिए दुआ भी करिए, और मुमकिन हो तो उसे दवा भी बताइए कि भाई देखो ये खाओगे तो हमारी बहू को इससे फ़ायदा हुआ। तो ऐसे आदमी हर आदमी 100-200 रिश्तेदार रखता है, आपके जो जितने भी मिलने वाले रिश्तेदार यार दोस्त सब हैं ससुराल में का, जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ पर कोई रोगी रहना नहीं चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ कि ये रोगी आपके ख़ानदान में आपके दोस्तों में कोई भी एक भी रोगी ना रह जाए जिस तक आप बात ना पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, मैं आपको सलाम करता हूं।